क्यों क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दादाजी मुझे पहले से ही चोट लगी हुई है और ऊपर से उस मिंटी ने मेरा प्रैक्टिस किया हुआ डांस कॉपी कर लिया है। अब तो मेरे जीतने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। बेटा, रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बनाओ, पर इस तरह हार मत मानो। बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखना कि रास्ते की मुश्किलें हमेशा हमें कमजोर बनाए ये जरूरी नहीं है। कई बार ये मुश्किलें हमें नई हिम्मत देती है, नई शक्ति देती है, और वही हिम्मत हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। पर बेटा, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो बुरी होती है और हमें नई सीख दे जाती है। उसके बाद हमें तय करना होता है कि हम उससे डर कर भाग जाए या फिर डट कर उसका सामना करें। सही कहा बापूजी ने। बेटा, तुझे पता है ये मिंटी ने तेरा डांस क्यों कॉपी किया है? क्योंकि वो जानती थी कि तेरा डांस उसकी डांस से अच्छा है। बेटा, वो डर गई कि अगर तूने अपने डांस पे परफॉर्म कर दिया तो वो हार जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तू उससे अच्छी डांसर है। हाँ महर, तू स्पेशल है, तभी तो तूने इंडिया के नंबर वन डांसर को भी डरा दिया। हाँ बेटा, मिंटी ने जो डांस किया है वो डांस भी तुमने ही बनाया था, और तुम खुद नया डांस बना सकती हो। बस खुद पर विश्वास रखो, गणपति पापा का नाम लो और जाओ डांस करो, हम सब तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच मुझे हिम्मत देने के लिए, और मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि चाहे मैं ये प्रतियोगिता ना जीतूं, लेकिन सबका दिल जरूर जीतूंगी। यस। और हाँ, गणपति जी के होते हुए मुझे कैसा डर? मैं जानती हूँ मेरे गणेश जी हमेशा मेरे साथ। गणपति बाप्पा। आज तो करके ही रहेगा अंत बालवीर का। लेकिन परी भयंकर, इन सब में भूल गई आप एक बात, रुक गया है आपका हिमचक्र, अरे रुक गया है आपका बर्फीला तूफान। ठीक कह रहे हो, तौबा तौबा, मगर इसके रुकने से उन बेवकूफ परियों ने ये मान भी लिया होगा कि बर्फीला तूफान रुकना मतलब बालवीर का मुझ पर विजय पाना। पर उन्हें क्या पता कि बालवीर को समाप्त करने से पहले मैं उन्हें और उनके परिलोक को समाप्त कर दूंगी। रुको हिमदानव, मेरा आदेश है तुम्हें कि बालवीर की बनाई हुई इस बर्फीले तूफान को रोकने वाली दीवार को बालवीर के हाथों ही तोड़ दो।
कहा था ना बालवीर कि इस बार जीत मेरी होगी, इस बार तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी परियों का अंत निश्चित है, अटल है परीलोक का विनाश, अटल है पृथ्वी लोक के हर बच्चे की खुशी का विनाश, खुशी का विनाश। गालपरी, परीलोक में बर्फ की ठंड के कारण हमारे पंख अकड़ने लगे हैं, हमारे लिए उड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ काती परी, आप सही कह रही हैं, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते, हमें चलकर ही सही भयानक लोक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। भयंकर परी ने पूरे परी लोक को बर्फ से ढक दिया है। हाँ, इस बर्फीले तूफान ने पूरे पूरे परी लोक को तबाह कर दिया है। रुकिए काकी परी, क्या हुआ गाल परी? क्या आपको अपनी ओर तेज हवाओं के आने की आवाज आ रही है? परी, हमें तो ठंड भी बढ़ती हुई महसूस हो रही। हमें तुरंत रानी महल वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये वही बर्फीला तूफान है। चलिए घर परी। हट काफी परी, और तेज चलिए। पूरी शक्ति लगा दीजिए, बर्फीला तूफान नजदीक आ रहा है। आप हमारी चिंता छोड़िए गाल परी, खुद की रक्षा कीजिए। आप शीघ्र रानी महल जाइए और वहां जाकर सभी सभी परियों को सचेत कीजिए। नहीं, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। आप मेरी बात मानिए गाल परी। जाइए। माना पड़ेगा महल, बहुत हिम्मत है तुझ में, पर तेरी ये हिम्मत भी आज तुझे अच्छा डांस नहीं करवा पाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
खड़ी हो जा मेहर, कम ऑन। एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। आंखें खोलो बालवीर और देखो, देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां, पूरा परिलोक, रानी महल, सब कुछ मेरी बनाई हुई बर्फीली मायावी चादर के नीचे ढक गया है। अब बचे हो सिर्फ तुम, पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। बहुत ही जल्द तुम भी बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। अरे वाह मेहर, कितना अच्छा डांस किया तूने आज, एकदम सुपर। शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश मेहर। मेहर, तुम्हारा पैर दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये तो कमाल हो गया। हाँ दादाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे पैर का दर्द गायब कैसे हो गया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी। अच्छा, ये बेटा जरूर जरूर गणेश जी ने ये चमत्कार किया होगा, है ना? हाँ, जरूर वही आए होंगे, संकट मोचन विघ्नहर्ता। कैसे कैसे किया मैंने इतना चैलेंज, कैसे? कमाल कर दिया मेहर आपने। तो आज का फैसला लेना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जजेस ने
फैसला ले लिया है। और वो विजेता है मेहर दगली। अब दगली परिवार और लखानी परिवार दोनों के पास दो दो पॉइंट हैं। फैमिली नंबर वन को जीतने के लिए हमारी अगली प्रतियोगिता जो है कबड्डी वो कल खेली जाएगी और मैच होगा इन्हीं दो परिवारों के बीच में। यस।